कोरोना काल के दौरान पानीपत नगर निगम की दूसरी मीटिंग हंगामेदार रही। मीटिंग के दौरान पार्षदों और मेयर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। पार्षद जहां अपने वार्डों में विकास को लेकर नाखुश थे, वहीं मेयर का गुस्सा पार्षदों के व्यवहार को लेकर था। शहरी विधायक ने मुख्यमंत्री की तारीफ करने के साथ साथ सिस्टम की लेट लतीफी की और भ्रष्टाचार पर अपनी नाराजगी जाहिर की और उसमें सुधार करने की बात कही। देखें पानीपत से मदन बरेजा की यह रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय विधानसभा की चिंता करते हैं, वो तो 90 की 90 विधानसभा की चिंता करते हैं, चाहे विधायक कहीं हमारा है या नहीं है। और पानीपत में विकास निरंतर अब होता चला जाएगा, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। पार्षद जो अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं, देखिए लोग उनके पास आते हैं, वो उस वास्ते परेशान है, कहीं सफाई का मुद्दा है, कहीं वाटर सीवर का मुद्दा। देखिए ये तो जीवन है, ये मुद्दे तो आप जितना भी काम कर भी लेंगे तब भी मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब पार्षद काम करवाते हैं, शुरू करवाते हैं काम, वो काम पूरा हो जाना चाहिए। इसी चिंता से अपनी बात कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के समाज के कामों की चिंता लेके अपनी गर्मा गर्मी भी दिखा रहे हैं। हमारे अनिल जी ने अभी बताया, जैसे उनके वार्ड में सिर्फ 5 सफाई कर्मचारी हैं, तो मैं उनसे सहमत हूँ, किसी भी तरह से उचित नहीं है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।